सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। साईं प्रभु कहते हैं, मेरे साईं प्रभु कहते हैं, मैं सर्वव्यापी हूँ। जो मुझ पर विश्वास रखता है, उसके सारे कार्य मैं पूर्ण करता हूँ। बस मालिक पर विश्वास करना। ओ मालिक पर यदि आपने विश्वास कर लिया तो वह आपको अंत में सदगति प्राप्त कराता है। बस मालिक पर निर्भर रहें। इस संसार में चिंता मत करना। जो भी मालिक पर विश्वास कर सारी चिंता उस पर छोड़ देता है और उसकी मर्जी से चलता है, वह जो करेगा अच्छा करेगा। मन में धैर्य रखना, सबका मालिक एक है। नमस्कार, मैं मीना गुप्ता। आज हम आपको साईं चरित के अध्याय 6 की कथा बतला रहे हैं, जिसमें कि भगवत राव, क्षीर सागर की कथा, दास गणों का प्रयाग स्नान और श्री साईं बाबा का शिरडी में पहली बार आना और 3 बाड़े का पूरा वर्णन दिया गया है। तो चलिए आज हम आपको पहले बतलाते हैं कि भगवंत राव और क्षीर सागर की कथा। श्री विट्ठल पूजन के प्रति बाबा की कितनी रुचि थी, यह भगवंत राव क्षीर सागर की कथा से भली भांति स्पष्ट हो जाती है। भगवंत राव के पिता विठोबा के परम भक्त थे। वे प्रतिवर्ष पंडरपुर वारी लेकर जाते थे। उनके घर में विठोबा की एक प्रतिमा थी, जिसकी वे नित्य प्रतिदिन पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भगवंत राव ने वारी, पूजन, श्राद्ध इत्यादि सभी कर्मों को त्याग दिया। जब भगवंत राव शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि इनके पिता मेरे परम मित्र थे, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी प्रसाद नहीं दिया था मुझे और विठोबा को भूखों मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठ पूर्वक पूजा की ओर खींच लूंगा। अब हम आपको बतलाते हैं दास गणों का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना के संगम पर स्थित प्रयाग प्रसिद्ध पावन तीर्थ स्थान है। हिंदुओं का ऐसा विचार है कि वहाँ स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और यह सत्य है। प्रत्येक पर्व पर हजारों भक्तगण वहाँ जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दास गणु ने भी वहाँ जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से वे बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, बस मुझ पर विश्वास करो। तभी महान चमत्कार हो गया। जैसे ही दास गणु बाबा के चरणों में झुके तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा बड़ी ही तेज वेग प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दास गणों का प्रेम और भक्ति उमड़ पड़ी। आँखों से जैसे आँसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतःस्फूर्ति हुई और उनके मुख से साईं बाबा की श्रोतश्विनी स्वतः बहने लगी। अब हम आपको बतलाते हैं कि श्री साईं बाबा शिरडी में पहली बार कब आए और क्या किया। श्री साईं बाबा के माता पिता और उनके जन्म और स्थान के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। इस संबंध में बहुत छानबीन भी की गई, बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई भी संतोषप्रद सूत्र हाथ ना लग सका। वास्तव में देखा जाए तो हम लोग इस विषय पर सर्वथा अनभिज्ञ हैं। कोई बाबा के बारे में कुछ नहीं जानता। नामदेव और कबीरदास आयोनिज थे, क्योंकि सामान्य लोगों की तरह उनका जन्म नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में पाए गए थे। नामदेव भीमरथी नदी के तट पर गोनाई को और कबीर भागीरथी नदी के तट पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री बाबा के संबंध में भी था। वे शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुण अवस्था में स्वयं भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट हुए थे। उस समय भी वे पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनकी किसी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों में लौटती थी। शिरडी गांव की एक वृद्ध स्त्री नाना चौकदार की मां ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक
सबसे पहले नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन सभी को दिखाई दिया। गांववासी ने देखा, सर्दी व गर्मी की उसे जरा भी परवाह न थी। उसे इतनी अल्प आयु में भी इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दिन में वह भेंट नहीं करता था और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमता था। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि उस युवक का कहां से आगमन हुआ है, वह कहां से आया है। उसकी बनावट और आकृति इतनी मनोरम थी कि एक बार देखने मात्र से वे युवक की ओर आकर्षित हो जाते थे। वह सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठा रहता था और किसी के द्वार पर भी वह नहीं जाता था। यद्यपि वह देखने में युवक प्रतीत होता था, परंतु उसका आचरण बड़े बड़े महात्माओं जैसा था। वह त्याग और वैराग की साक्षात प्रतिमा था। एक बार आश्चर्यजनक घटना घटी। एक भक्त को भगवान खंडोवा का आवेश हुआ। लोगों ने शंका का निवारण करने के लिए उनसे प्रश्न किया कि हे देव, कृपया बतलाइए कि यह किस भाग्यशाली पिता की संतान है और इनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोवा ने एक कुदाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर उन्हें खोदने का संकेत किया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहां पर सारे गांववासी ने देखा, वहां पर एक पत्थर के नीचे ईंट पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखाई दिया जहां की दीपक जल रहे थे। चार दीपक जल रहे थे। द्वार का मार्ग एक गुफा में जाता था। वहाँ गौमुखी आकार की इमारत और लकड़ी के तख्ते और मालाएं आदि दिखाई पड़ी। सभी शिरडीवासियों ने उसे देखा। भगवान खंडोवा कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 वर्ष तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने यह कहकर बात टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है, इसलिए मेरा यह पूज्य स्थान है। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत उसी तरह जिस तरह खोला था बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ तथा ओदुम्बर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना और उससे प्रेम किया। महालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा की गुरु समाधि स्थल मानकर सदैव नमन किया करते थे। अब हम तीन बाड़े के बारे में वर्णन करते हैं। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने खरीद कर उस पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए वह बाड़ा एकमात्र ही ऐसा विश्राम का स्थान था जहां सदैव लोगों की भीड़ लगी रहती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बनाया गया और सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है जहां भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को धूप अगरबत्ती और सुगंधित पदार्थ जलाएंगे, वे इस कृपा से सदैव सुखी रहेंगे और साईं की कृपा सदा उन पर बनी रहेगी। यह बाड़ा बहुत पुराना तथा जीर्ण शीर्ण स्थिति में था तथा इसके जीर्णोद्धार की नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय बाद एक दूसरे बाड़े का निर्माण हुआ जिसका नाम की दीक्षित बाड़ा रखा गया। काका साहेब दीक्षित जब इंग्लैंड में थे तब वहाँ उन्हें किसी दुर्घटना के कारण पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने बहुत उपचार किया परंतु उनका पैर ठीक नहीं हुआ। नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया, इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा से पैर के बदले अपने मन की पंगुता दूर करने की भी प्रार्थना की। बाबा के दर्शन से उन्हें इतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने पूर्ण रूप से स्थायी रूप से सीढ़ी में ही रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने भक्तों के लिए एक बाड़े का निर्माण करवाया। इस भवन का शिलान्यास 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य दो विशेष घटनाएं घटित हुई। पहला, दादा साहेब खापड़े को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और दूसरा, चावड़ी में रात्रि को आरती का शुभारंभ हुआ। कुछ समय में बाड़ा पूर्ण रूप से बन गया और रामनवमी 1911 को शुभ अवसर पर उसका यथाविधि उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक और बाड़ा मानो एक शाही भवन जो नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत ज़्यादा धनराशि खर्च हुई। उनकी समस्त
पदा सार्थक हो गई, क्योंकि बाबा का शरीर अब वहीं विश्रांति पा रहा है और फिलहाल उसे समाधि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिससे स्वयं पौधों को बाबा सींचते थे और उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ पहले एक छोटी सी कुटी भी नहीं थी, वहाँ 3 बाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब में साठेवाड़ा पूर्व काल में बहुत ही उपयोगी है। जब भी आप शिरडी जाएं, तो इन सभी बाड़ों का अवश्य दर्शन करें। आपकी सारी मनोकामना साईं जी पूर्ण करेंगे। अब हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से अध्याय 7 साईं चरित का आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईं। हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए साईं जीवन माला को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।